नमस्कार दोस्तों, मैं संजय टूल्स विलय के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही अच्छी और बजट फ्रेंडली पल्वराइज़र मशीन जो कि 2-in-1 है। तो चलिए बात करते हैं मशीन के पूरे डिटेल्स के बारे में कि मशीन कैसे काम करती है, आप इसमें क्या क्या ग्राइंड कर सकते हैं, इसका पावर कंजम्पशन क्या है और भी बहुत कुछ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं इस मशीन में आपको दो होपर्स मिलते हैं। इससे आप छोटे दानेदार मटेरियल जैसे गेहूं, चावल इत्यादि पीस सकते हैं। इस राउंड वाले होपर के साथ आप बड़े दानेदार वाली वस्तुएं जैसे हल्दी, मक्का, दाल इत्यादि पीस सकते हैं। ये मशीन आप डोमेस्टिक और कॉमर्शियल दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम इस मशीन के बॉडी मटेरियल के बारे में बात करें तो इस मशीन की होल बॉडी SS यानी कि स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है। इसके साथ आपको 7 जाली मिलती है जो कि स्टेनलेस स्टील की होती है। फ्रेंड्स, इस मशीन की आउटपुट कैपेसिटी लगभग 12 से 14 केजी प्रति घंटा होता है। इसमें 2 HP का हेवी ड्यूटी मोटर लगा होता है जो कि बहुत ही पावरफुल होती है इस मशीन के लिए। फ्रेंड्स, अगर इसके पावर कंजम्पशन की बात करें तो इसमें 1 से 1.5 यूनिट प्रति घंटा बिजली की खपत होती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मशीन के ऊपर एक MCB स्विच लगी होती है। उसके जस्ट साइड में आपको एक सेट रेगुलेटर मिलता है एंड उसके बाजू में आपको एक एम्पियर मीटर मिलता है जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि मशीन की रनिंग मेजरमेंट क्या है। सबसे पहले हम इस मशीन से चावल की पिसाई करते हैं। देखते हैं कि यह मशीन कैसे चावल की पिसाई करती है। चावल की पिसाई के लिए आपको 5 नंबर जाली की आवश्यकता होगी। तो आइए फ्रेंड्स, मशीन को स्टार्ट करके देखते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी बारीकी से चावल की पिसाई हुई है। इससे आप इडली, डोसा, वड़ा इत्यादि बना सकते हैं। अब हम आपको गेहूं की पिसाई करके दिखाएंगे। गेहूं की पिसाई के लिए आपको 1 नंबर जाली की आवश्यकता होगी। आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, गेहूं की पिसाई हो चुकी है। देखिए कितनी बारीकी से यह मशीन गेहूं की पिसाई करती है। फ्रेंड्स, इस मशीन से आप हल्दी भी पीस सकते हैं। हल्दी की पिसाई के लिए आपको मसाला हुपर की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले चेंबर का डोर ओपन करके मसाला हुपर को फिट कर लें। हल्दी की पिसाई के लिए आपको 7 नंबर जाली की आवश्यकता होगी। हल्दी को मसाला हुपर में डाल दें। और एक इम्पॉर्टेंट बात फ्रेंड्स, हल्दी को डालने से पहले आप उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें ताकि आपको अच्छे आउटपुट मिले। इसके अलावा बारीकी से पिसाई के लिए आप इसमें 3 नंबर जाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें धनिया की पिसाई करेंगे। धनिया की पिसाई के लिए आपको 4 नंबर जाली की आवश्यकता होगी। देख सकते हैं फ्रेंड्स, धनिया की पिसाई हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, अब हम इससे मक्के की पिसाई करेंगे। मक्के की पिसाई के लिए आपको 3 नंबर जाली की आवश्यकता होगी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मक्के कितनी बारीकी से पीसकर रेडी हो चुकी है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मशीन कितनी पावरफुल है। फ्रेंड्स, मशीन को क्लीन करने का तरीका बहुत ही आसान है। क्लीनिंग के लिए आपको मशीन के साथ कुछ ब्रशेस दी जाती है। मशीन के चेंबर का डोर ओपन करके आप सिंपली इसे साफ कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात फ्रेंड्स, जब आप साफ करते हैं मशीन को तो आप अपने ब्रश को भिगोए ना। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करें
और ऐसे ही आधुनिक मशीनों से जुड़ी और भी मशीनों के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।